चलिए, हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में जाना, हमको क्या पढ़ना है ये जाना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको ये देखना है कि वास्तविक में इस प्रकृति में इतने सारे जीव जंतु हैं, उसको हमको जानना है, ठीक है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है जिसको हमको पहचानना है, वो क्या है, कैसे है, ऐसा है तो क्यों है, ये सारे हमको जानना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के बारे में, ठीक है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो जैव विविधता है, विविधता आकार रंग रूप में जो भिन्नता होती है वही विविधता है। हम सारे लोग एक क्लास में बैठे हुए होते हैं, सबके सब एक जैसे हैं भी और एक जैसे नहीं भी हैं, सबके दो पैर हैं, दो हाथ है, सर में बाल है, ये सारे समानताओं के बावजूद भी हमें थोड़ी सी अंतर होती है, वही कहलाता है विविधता, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम सबके सब एक जैसे हैं, आज मिक्स हो गए और मिक्स होके एक दूसरे के दूसरे घर चले गए, ठीक है, अपने अपने घर ना जाके दूसरों के घर चले गए, तो क्या हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पहचान पाएंगे क्या? पहचान जाएंगे, जबकि हमारा आकार रूप रंग हो सकता है एक जैसा भी हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही घर में पैदा हुए दो जुड़वा बच्चे को भी उनके माँ बाप क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, जिनको दूसरे लोग नहीं पहचान पा रहे होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता होगा, भिन्नता पाया जाता होगा, जिसके कारण से वो पहचान पाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं प्रकृति में बहुत सारे भी ऐसे भी जीव हैं जिसको आसानी से पहचान पाना संभव नहीं है। हम देखते हैं कि इस पूरे जगत में जो बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोटोजोआ की संख्या जो होती है, ये जो प्रोटोजोआ होती है, इस प्रोटोजोआ का संख्या जो होता है वो 30,000 के आसपास होता है, तथा नीडेरिया जो होता है, नीडेरिया, इनकी जनसंख्या लगभग 9,000 इनकी प्रजातियां पाई जाती है। प्रजाति की बात कर रहा हूं ना मैं, चलिए इनकी प्रजातियां कितनी हो गई, 9,000 प्रजातियां हो गई। हम देखते हैं कि पूरा जो विश्व के अंतर्गत आता है, जिसमें ये आर्थ्रोपोडा जो होता है, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा की ही संख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये लगभग कितनी है, 80,000। चलिए 80,000 प्रजातियां इनकी पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्डेटा संघ के बारे में, तो कॉर्डेटा, ये जो कॉर्डेटा होता है, इस कॉर्डेटा के अंतर्गत लगभग 65,000 की जनसंख्या पाई जाती है, 65,000 प्रजातियों की जनसंख्या पाई जाती है, इतने सारे जनसंख्या। ये देखिए, हमने देखा कि वास्तविकता में पूरे विश्व में इतने सारी आबादियां हैं, इसमें कई प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े दुनिया भर को लेकर के, जिसमें से ये आर्थ्रोपोडा जो आता है वो कीट वर्ग के अंतर्गत आता है, और इन्हीं की जनसंख्या प्रकृति में कैसा है, सबसे ज्यादा है। इसको हम लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, कौन सी संख्या है, तो ये आर्थ्रोपोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी प्रजातियां कितनी है, 80,000 प्रजातियां लगभग है। यही प्रकृति में जीवन में कई प्रकार की मूलभूत, कई छोटे से अंग कहे जाए, लक्षण कहे जाए, या कई प्रकार के जो असमानताएं होती है, वही क्या कहलाती है, इनकी डाइवर्सिटी कहलाती है, विविधता कहलाती है। अब हम बात करते हैं इन सब के जीव जंतु का जो आकार होता है, साइज होता है, अमाप होता है, गुण होता है, लक्षण होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, और इन्हीं विभिन्नताओं को मैंने क्या बोला, आकार, अमाप, लक्षण, गुण, इन सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, भिन्नता की बात कर रहा हूं मैं, तो इन्हीं भिन्नता का हमको अध्ययन करना है, जैव विविधता के अंतर्गत अध्ययन करना है, ठीक है। जैव विविधता कहलाती है, यही जैव विविधता कहलाती है, और हमको इस प्रकार से ज्ञात होता है कि जीवों में पाए जाने वाले इसी प्रकार की जो विविधता होती है, उसी को बोला जाता है जैव विविधता। जीवों में पाए जाने वाली विविधता ही कहलाती है जैव विविधता। विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है।
चलिए बात करते हैं अब विश्व के पूरे अंतर्गत। ऐसा तो नहीं है कि ये केवल मैं जंतु जगत को ले लूं, तो ऐसा नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, हमारे इंडिया समेत की बात कर रहा हूं। तो वास्तविक में इस प्रकृति की बात किया जाए तो इस प्रकृति जो होता है, हमारे जो प्रकृति होता है, इस प्रकृति में लगभग लगभग पादपों की संख्या की बात किया जाए, पादप जो होता है उनकी संख्या जो है वो लगभग लगभग 1,90,000 की जनसंख्या है। दस लाख तो 19 लाख, इतनी ज्यादा जनसंख्या कितनी है पादप की है। और हम बात करते हैं तो जंतुओं का जो समूह आता है, वो समूह है ये। आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा जनसंख्या में जंतु जगत पाया जाता है और इतने ज्यादा जनसंख्या में कौन है, पादप जगत है। ठीक हुआ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये पादप जगत के लिए और ये किसके लिए, जंतु जगत के लिए। तो इनके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ विविधता। आपने अमीबा के बारे में छोटे क्लास में सुना ही होगा, अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा जितना सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जीव है, सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, जितना सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जीव की बात कर रहे हैं, उतना ही विशाल जीव जिसको आप लोग नीली भेल के नाम से जानते हैं वो है। अब आप लोग देख लीजिए इन दोनों में कितने विभिन्नता है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का ही अंतर कह सकते हो इसमें। इसमें एक अमीबा होता है जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, और दूसरी बात कर रहे हैं हम नीली वेल के बारे में जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि यह जो एक मछली जो होती है वो लगभग लगभग कितने हाथी, 30 हाथी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जैव विविधता के बारे में चर्चा, जो प्रोटोजोआ, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डिप्टा के बारे में मैंने बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं पादप में, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख की संख्या जो इतनी है वो पादप की है, और इतनी जो संख्या विश्व में पाई जाती है वो किसकी है, जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। प्रजातियां है ना, ये याद रखना। चलिए